बुधवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्टर कार्यालय पर बड़ी संख्या में आदिवासी समन्वय मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। जानों ने नारेबाजी करते हुए मां महिम राष्ट्रपति और मध्य प्रदेश की मां महिम राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन में 26 अगस्त को नीमच जिले के सिंगोली थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव वांडा में कन्हैयालाल धन नामक युवक की पिकअप वाहन के पीछे बांध कर घसीटने मारपीट करने से हुई मौत के मामले में परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी 1 करोड़ का मुआवजा और आरोपी को फास्ट्रैक कोर्ट में केस चलाकर तुरंत फांसी की सजा दी जाने की मांग की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग मौजूद रहे। साथ ही यह भी कहा गया कि आगामी 5 सितंबर को इस संबंध में आदिवासी समाज नीमच में एक महापंचायत दिन आयोजित करेगा और इस निर्णय विषय पर विस्तार से चर्चा होगी और रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और एक आरोपी अभी फरार है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सभी आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। तो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल भी कल सिंगोली दौरे पर था और मृतक कन्हैयालाल के घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे और फिर परिवार को उचित न्याय का भरोसा दिलाकर आए थे। जिला नीमच तहसील सिंगोली के जो कन्हैयालाल भील की जिस तरीके से तालिबानी तरीके से पिकअप के पीछे बांधकर घसीटा और उसकी कुर्तापूर्वक हत्या की गई, उसके विषय में हम सब आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और कन्हैयालाल भील को न्याय दिलाने के लिए आए हैं हम। लेकिन प्रशासन और प्रशासन से भी निवेदन है कि हम उसके उनके सुना है कि उन्होंने उनके घर मकान भी ध्वस्त किए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं। हमारा तो आदिवासी भाई चला गया ना, हैं उनका जिम्मेदार कौन है? तो शासन प्रशासन की भी लापरवाही है। 36 घंटे के बाद ये पंजीयन सुनने में आ रहा है कि ये किया गया है, तो इसके विषय में हम ये कर रहे हैं और अगले आने वाली 5 तारीख को जो कंफर्म हो जाएगा बांडा में हम महापंचायत करेंगे और हाँ कंफर्म है, हाँ नीमच में है। और हम सरकार से भी ये कहेंगे आगे से कोई भी हो वो हम, मैं उनको दबंग भी नहीं कहूँगा क्योंकि वो गुंडे हैं और किसी भी समाज के वो ना कलंक है। उन्होंने ऐसा कृत्य किया जैसे कि अभी सुनने न्यूज़ के माध्यम से मैंने देखा है कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया। मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसी कृत्य घटना से जैसे कि मध्य प्रदेश में तालिबान आ गया हो। किस तरीके से उसका दोस्त क्या था? दोस्त अगर कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं था, अगर कहीं कुछ हुआ भी था तो पुलिस को इन्फॉर्म करते। इस प्रकार से उसकी मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूं और मन भी मेरा विचलित हुआ है। आज मैं हमारा भाई बीच में नहीं है और मन दुखी भी है और हम आदिवासी समाज के साथ उस परिवारजनों को न्याय दिलाने की बात करने आए। मांग ये है कि जिस तरीके से उनको मारा गया तो उनके साथ जो उनके परिवार से एक सदस्य को नौकरी दी जाए और अतिरिक्त 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और उनकी सुरक्षा भी सरकार की जिम्मेदारी ले, उनकी बीवी बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। तो सरकार से मैं मांग करता हूं कि उनके बच्चों की और उनकी पालन पोषण की जिम्मेदारी सरकार लें और उन जो भी हैं आरोपी उन पर फास्ट ट्रैक में कोर्ट में चलाकर इसको उन दरिंदों को फांसी की सजा दी जाए जल्द से जल्द। नीमच से दीपक खताबे की रिपोर्ट।